Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a metal rod of a cross-sectional area 1 cm square is being heated at one end. At one time, the temperature gradient is 5 degrees Celsius per centimeter at cross-section A and 2.5 at cross-section B. Calculate the rate at which the temperature is increasing in the part AB of the rod. The heat capacity of the part AB that is given. A thermal conductivity of the material of the rod that is also given. Neglect any loss of heat to the atmosphere. Fine. So देखो हमारे पास एक रॉड है इस तरह से ए बी ये एंड ए है एंड ये एंड बी है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस रॉड का दैट इज गिवन 1 cm² एंड ए पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है डी टी बाई डी एक्स है ना एंड ए पे कितना है 5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर एंड बी पे कितना है 2.5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर नाउ इस रॉड का आपको थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन है के दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज 200 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस राइट सो कैन यू फाइंड आउट हीट करंट देखो जो हीट करंट होता है ना दैट इज सिंपली के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लेंथ और इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं के ए डी टी बाई डी एक्स राइट ये जो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ है ना इसे डिफरेंशियल फॉर्म में टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आप लिख सकते हो सो आप देखो जो हीट करंट आएगा ए पे दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी कितना है दैट इज 200 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁴ m² इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है 5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर इट मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस पर मीटर है ना ऐसा यूनिट में आपको कन्वर्ट करके वैल्यूज लेनी है so this will be simply 10 joule per second and b पे कितना heat current आएगा that is simply k thermal conductivity 200 into a कितना है 10⁻⁴ into temperature gradient 2.5 degree celsius per centimeter it means 25 degree celsius per meter so ये आएगा 5 joule per second आप देखो कि जो heat current है ना वो कांस्टेंट नहीं है इस रॉड में लाइक आप देखो कि एंड ए पे जो हीट करंट है दैट इज 10 जूल पर सेकंड बट एंड बी पे जो हीट करंट है दैट इज 5 जूल पर सेकंड इट मींस जो 5 जूल पर सेकंड का हीट करंट है ना वो इस रॉड में ही कहीं पे रह जाएगा सो आप इस तरह से फील करो कि 1 सेकंड में एंड ए से 10 जूल हीट इस रॉड के अंदर जाता है बट ओनली 5 जूल हीट ही एंड बी से बाहर आता है सो काइंड ऑफ जो 5 जूल हीट है ना इस रॉड में ही कहीं पे स्टोर हो जाएगा सो इस तरह से आप फील करो कि 1 सेकेंड में 5 जूल हीट इस रॉड में स्टोर हो जाता है राइट सो काइंड ऑफ इस रॉड को हम 5 जूल हीट सप्लाई करते हैं 1 सेकेंड में नाउ इस रॉड का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा आप देखो इसका आपको हीट कैपेसिटी गिवन है हीट कैपेसिटी कितना है 0.4 joule per second इट मींस अगर हम 0.4 joule per degree celsius राइट इट मींस 0.4 joule हीट अगर आप सप्लाई करते हो देन इस रॉड का जो टेम्परेचर है वो 1 degree celsius से इंक्रीज हो जाएगा देन 5 joule हीट से कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा 5 divided by 0.4 सो दिस विल बी 12.5 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स 1 सेकेंड में जब हमने 5 जूल हीट सप्लाई किया देन इस रॉड का जो टेम्परेचर है वो 12.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया सो किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा 12.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड सो यही आपको फाइंड आउट करना था सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन कीप वर्किंग आउट बेस्ट ऑफ लक बाय